और चलिए स्पीड न्यूज में रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। जिंदगी की जंग जीत गए कर्मवीर, रेड माइनर्स की मेहनत लाई रंग, आखिर 17 दिन के बाद सिलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भेजी टीम, बंगाल के लोगों की मदद के लिए एक टीम उत्तरकाशी भेजी, राजदीप दत्ता के नेतृत्व में टीम उत्तरकाशी भेजी, श्रमिकों को घर वापसी में मदद करेगी टीम। टीम ने सुब्रत प्रमाणिक, सोमनाथ चक्रवर्ती, राजू सिन्हा, बंगाल के 3 श्रमिकों की मदद के लिए भेजी टीम और श्रमिक निकले बाहर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बजट खर्च नहीं हो रहा है इसका मतलब गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, आपकी बिजली व्यवस्था भी बेहतर नहीं, बजट ना खर्च करना सरकार की नाकामी। कोलकाता में भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर टीएमसी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना में जुबली हिल्स में ऑटो चालकों और स्वच्छता कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऑटो रिक्शा में की सवारी। पहाड़ी इलाकों में हिमपात का दौर जारी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हिमपात जारी। रोजगार मेला 30 नवंबर को, पीएम मोदी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, 50,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, केंद्रीय मंत्री देशभर के विभिन्न स्थानों पर होंगे उपस्थित। इसराइल हमास के बीच युद्ध का विराम, युद्ध विराम बढ़ने का बाइडेन ने किया स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संघर्ष विराम समझौते का किया स्वागत, इसराइल हमास के बीच विस्तारे 2 दिवसीय संघर्ष विराम समझौते का किया स्वागत। देव दीपावली पर 21 लाख दीपकों से जगमगाई काशी, गंगा घाट पर गूंजे बम बम भोले के जयकारे, 3D लेजर शो और लाइटिंग से रंग बिरंगा हुआ आसमान। राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार, काउंटिंग के कुछ ही दिन शेष, त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में भी है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर दौसा सहित कई जिलों में हल्की मावट का दौर, बारिश और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। तेलंगाना के दौरे पर रहे सीएम अशोक गहलोत पीसीसी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 5 राज्यों में बन रही कांग्रेस सरकार, हैदराबाद में राहुल और प्रियंका के साथ किया रोड शो। चीन में फैले स्वशन रोग को लेकर राजस्थान में अलर्ट, केंद्रीय गाइडलाइन के बाद चिकित्सा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शुभ्रा सिंह ने की प्रदेश भर की समीक्षा। इलेक्शन चीफ कले ऑफिसर प्रवीण गुप्ता की तबियत में सुधार, SMS अस्पताल से किया डिस्चार्ज, खाना खाते वक्त खुशवसन अली में कुछ फंसने से बिगड़ी थी तबियत। राजस्थान में एक ही दिन में होंगे सभी बार एसोसिएशन के चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल देने से इनकार, हाईकोर्ट ने एक ही दिन चुनाव और परिणाम घोषित करने के दिए थे आदेश। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोल बॉल खिलाड़ियों से की मुलाकात, राष्ट्रीय खेलों में विजेता रहे खिलाड़ियों से किया संवाद, कहा खेलों से ही मानवीय मूल्य और सामूहिक चेतना का होता विकास। खान विभाग की टीम ने जयपुर में की बड़ी कार्रवाई, दयारामपुरा में अवैध खनन करते हुए LNT मशीन और जम्पर किया जब्त, हाथीपुरा में स्टोन क्रिट के ओवरलोड परिवहन मामले में 2 जम्पर पकड़े। पैलेजॉन व्हील्स का छठा फेरा, दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से होगी शुरुआत, अभी तक 32 पर्यटकों की हो गई है बुकिंग, 30 नवंबर सुबह जयपुर आएगी शाही ट्रेन। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों पर पॉलिटिक्स गरमाई, नीतीश कुमार पर बरसे भाजपा नेता, सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया। यूपी विधानमंडल का 4 दिवसीय सत्र शुरू, सत्र के पहले दिन नेता सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को दी श्रद्धांजलि। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल जापान के दौरे पर, टोक्यो में रियोस्की फुकासी के साथ की मीटिंग, उत्सुका की फार्मास्यूटिकल के उपाध्यक्ष रियोस्की फुकासी, गुजरात में निवेश के पर्याप्त अवसर तलाशने पर चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया सभी विधानसभाओं से फीडबैक, कहा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही भाजपा, जनता ने सुशासन के लिए किया मतदान। विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर रिलीज के लिए तैयार, फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर में देगी दस्तक, मूवी को लेकर फैंस में काफी क्रेज। मौसम परिवर्तन के बाद बारिश का दौर हुआ शुरू, तमिलनाडु के कांचीपुरम में विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई, बारिश के बाद वाहन चालकों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। लंबी छुट्टी के बाद इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार, मंगलवार का दिन बाजार में ज्यादातर स्टेकर्स के स्टॉक्स के लिए मंगल साबित हुआ, अडानी समूह और एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में उछाल के चलते बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने ली प्रशासनिक सचिवों की मीटिंग, हरित उद्योग के संबंधित प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी से मंजूरी देने के निर्देश, कांगड़ा के रक्कड़ पालमपुर की DPR पूरी करने के निर्देश, चंबा के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट की DPR पूरी करने के निर्देश, DPR को 15 दिसंबर तक पूरी करने के दिए निर्देश। झुंझुनू में सुबह से छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते वाहन चालकों को हुई परेशानी, कल हुई हल्की बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, आमजन सर्दी से ठिठुरता आया नजर, मौसम विभाग ने किया आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी। डीडवाना में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों से मौसम में बदलाव, कल जिले में ज्यादातर जगहों पर चला बारिश का दौर, दिनभर छाए रहे काले बादल, आज भी सुबह से क्षेत्र में घना कोहरा, कोहरे की वजह से मेगा हाईवे पर विजिबिलिटी 20 फीट से भी कम। अजमेर के पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन रहा प्रभावित, कोहरे के चलते दोपहिया चौपहिया वाहन चालकों को परेशानी, तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर भी हुए तेज।
चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी ट्रेवल्स की बस। रेलवे स्टेशन के समीप निम्बाहेड़ा मार्ग पर कृषि उपज मंडी के सामने की घटना। इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी निजी ट्रेवल्स की बस, हादसे में 5 यात्री घायल, घायलों में 3 महिलाएं शामिल। चूरू किरतनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस बजरी के ट्रक से टकराई, हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल। रतनगढ़ के बिरमसर के पास हुआ हादसा। जोधपुर में खड़ी कार में टक्कर मारने का मामला सामने आया। भदवासिया स्कूल के पास की बताई जा रही घटना, निजी स्कूल की बस के द्वारा कार को टक्कर मारने की बात आई सामने, बस में सवार थे स्कूली बच्चे। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते टोंक में मावठ और बादलों के चलते कोहरे का दौर नजर आया। अचानक बड़ी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया। मानसून की बेरुखी और बिसलपुर बांध में पानी की कमी के चलते किसानों के लिए सिंचाई का पानी परेशानी बना हुआ है, लेकिन मावठ ने किसानों की परेशानियों को कम किया। देवली उनियारा सहित शहरी इलाकों में मावठ का दौर चला, जिस वजह से तापमान में गिरावट हुई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ी। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में चोरों ने शादी समारोह में बाहर से कार में रखा ज्वेलरी से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया। चोरों ने कार में रखा शीशा तोड़कर बैग में रखा 1 लाख का कैश और करीब 11 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। बता दें कि मध्य प्रदेश दुल्हन पक्ष के लोग कोटा आए थे। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया। शहर में तेज बारिश के दौर के बाद ठंड बढ़ गई। तेज बारिश के कारण स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भीगना पड़ा। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया। हाईवे पर बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो गई। दूसरी ओर किसानों के लिए बारिश अमृत से कम नहीं। चना, गेहूं और सरसों की फसल के लिए बारिश खाद का काम कर रही है। सीकर के दातारामगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में जालौन निवासी विनोद कुमार और दिनेश भार्गव की दर्दनाक मौत हो गई। खेतड़ी में विधानसभा चुनावों में झगड़ों के बाद पुलिस की ओर से जनप्रतिनिधियों की सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। खेतड़ी डीएसपी कार्यालय में हुई बैठक में क्षेत्र के युवाओं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने व चुनाव परिणाम में आपसी सौहार्द बनाने की अपील की गई। बीएसएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का किया आयोजन। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं के हुनर को बढ़ावा देने पर दिया जोर। बीएसएफ की 87वीं बटालियन के कमांडेंट अशोक दवे की देखरेख में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्र के कालिसरा में रायडे की फसल की सिंचाई करते वक्त करंट की चपेट में आने से 45 वर्षीय किसान की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल समर्थन सिंह राठौर ने मृतक किसान के पुत्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच शुरू की। पाली में वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ अरिंदम तोमर कोमलगढ़ अभ्यारण के रणकपुर पहुंचे। उन्होंने सफारी कर मोडिया वन क्षेत्र का निरीक्षण कर वन्य जीवों के स्केड्यूल और उनके संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की और प्राकृतिक नाड़ियों में नियमित पानिया लिटाना व कांटेदार झाड़ियों को हटाने के साथ ग्रासलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। चौमूग इलाके में रिमझिम बारिश का दौर शुरू। सुबह से ही लोगों को दिनचर्या नजर आई प्रभावित। दफ्तर जाने वाले लोगों को भी रिमझिम बारिश के चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। चूरू किरतनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस टकराई बजरी के ट्रक से। हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल। रतनगढ़ के बिरमसर के पास हुआ हादसा। लाडू में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर की 2 पट्टियां टूटी। घर का सामान जल कर रहा। घर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, जिससे घर का पूरा सामान जल गया। घर की 2 पट्टियां टूट गई। लाखों का नुकसान हुआ। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के सिमाल गांव में 11,000 केवी विद्युत तार टूटने से खेत में रखा चारा जलकर राख हो गया। बणाई के देवीलाल गुर्जर ने बताया कि आग से सिमाल जिला में अर्जुन, भवरलाल, नैनाराम, बालूराम, उदयराम, भैरूलाल आदि का खेत का चारा जलकर राख हो गया। बिजौलिया कस्बे के हरिचंद मोहल्ले में न्यू सोनी टेंट हाउस में देर रात टेंट के सामान में अचानक से आग लगने से सनसनी फैल गई। आग इतनी तेज थी कि लाखों रुपए के टेंट के सामान मिनटों में राख हो गए। मोहल्ले वालों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने घर की छतों से पानी उडेलना शुरू किया। मतदान के बाद से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और इलाकों में झगड़े और हमलों के मामले लगातार जारी। कंचनपुर के पंजीपुरा गांव में 2 दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कर रेफर कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नागौर में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जेएलएन अस्पताल में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। साथ ही राज्य में 44,50,00,000 रुपए का बजट जारी हो गया है। 30,55,00,000 का बजट सिविक वर्क के लिए जबकि 13,95,00,000 का बजट इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया गया। प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मासूम स्कूली छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को डिटेन कर स्कूली बस को जब्त कर लिया। बस हादसा चालक की लापरवाही की वजह से सामने आया। न्यूज का डिडवाना में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन से मौसम में बदलाव। कल जिले में ज्यादातर जगह चला बारिश का दौर। दिनभर आसमान में छाए काले बादल। कोहरे की वजह से मेगा हाईवे पर विजिबिलिटी रही 20 फीट से भी कम। छिपाबड़ा और त्रिवेणी धाम समेल पर कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना प्रारंभ रहा। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी ट्रेवल्स की बस। रेलवे स्टेशन के समीप निम्बाहेड़ा मार्ग पर कृषि उपज मंडी के सामने की घटना। इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी निजी ट्रेवल्स की बस, हादसे में 5 से अधिक यात्री घायल।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन ने मुपेट सवार दंपति को मारी चक्कर। हादसे में मुपेट सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। कपासन थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास हुआ हादसा। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंचीपुरा गांव में दो पक्षों में विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने घर में दूसरे पक्ष के सात लोगों को घायल कर दिया। घायलों में तीन बच्चे शामिल। अलवर के राजगढ़ कस्बे के कई स्थानों की नालियों के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की आशंकाएं बनी हुई है। नगरपालिका प्रशासन को कई दफा अवगत करवाने के बावजूद उस पर नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। सीकर के खाटू श्याम जी का लामिया सड़क मार्ग पर सीतारामपुरा स्कूल के पास पिकअप है बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। तीन महिला सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। निजी वाहनों के जरिए उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। संगनेर में वाटिका सहित आसपास के गांव में दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहे। रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा, इसको लेकर के किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने कहा कि मावट से फसल को मिलेगा लाभ, अगर मावट अच्छी रही तो चना सरसों की अच्छी होगी पैदावार। बाड़मेर के बालोतरा में विद्युत लाइन को दुरुस्त करते समय करंट लगने से ठेकाकर्मी की मौत हो गई। गिड़ाकर संतुरा जीएसएस एरिया में कार्य कर रहा था कर्मचारी, काम करते वक्त लाइन चालू करने से करंट की चपेट में आ गया। अजमेर के पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन रहा प्रभावित। कोहरे के चलते दोपहिया चौपहिया वाहन चालकों को हुई परेशानी। तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर भी नजर आए थे। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते टॉक में बावट और बादलों के चलते कोहरे का दौर नजर आ रहा है। अचानक बड़ी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया। दूसरी ओर बूंदाबांदी और मावट किसानों के लिए मारी जा रही अमृत। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट से फांसी लगाकर आत्महत्या की। दादावाड़ी थाना क्षेत्र के वक्फ बोर्ड क्षेत्र में रहकर नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था मृतक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है मृतक छात्र। छिपा बड़ौत में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। खेत पर फसल में पानी पिलाते समय बिजली का करंट लगा। मौके पर कचनारिया कला निवासी चित्रलाल भील की मौत हो गई। प्रदेश भर में विधानसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए थे, इसके बाद मतगणना दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में उदयपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में ईवीएम से मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। मौसम के बदलते ही मांडलगढ़ में मिनाल में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे। सुविधाओं के अभाव से परेशानियों से जूझ रहे पर्यटक। मंदिर परिसर के पास नहीं है टॉयलेट की व्यवस्था। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना, पुरातन काल के मंदिर और प्रकृति का अनूठा संगम देखने पहुंचते हैं पर्यटक। विधानसभा चुनावों के मतदान होने के बाद आमजन और कार्यकर्ता हार जीत के आंकड़े लगाने में जुटे हैं। चाय की दुकान, ढाबा, परचून की दुकान, गली चौराहों में जगह जगह चर्चा जारी। अपने अपने समर्थकों और प्रत्याशियों को भारी मतों से जीतने का दावा कर रहे लोग। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर शहर में आया नजर। शहर में तेज बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। तेज बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाने वालों को भीगते हुए जाना पड़ा। सांगनेर में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भक्तों ने मंगला आरती में पहुंचकर किए भगवान के दर्शन। भगवान की सजाई जाती है अलग अलग रोजाना झांकियां। मंदिर अध्यक्ष रविता दास तारा महाराज ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम को दीपदान और महाआरती कर भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्री राज राजेश्वरी ने श्री विद्या ट्रस्ट के द्वारा पालड़ी मंगालिया जोधपुर स्थित आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के पावन उत्सव पर वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भव्य दीपदान का आयोजन किया। इस दौरान दीपकों के द्वारा स्वस्तिक, ओम, डमरू, त्रिशूल आदि को बनाया गया। झुंझुनू में सुबह से छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते वाहन चालकों को रही परेशानी। कल हुई हल्की बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। सांगनेर में राष्ट्रीय सिंधु भाषा विकास पर भारतीय सिंधु भाषा राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी शिक्षक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। सेमिनार में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सूर्यनगरी जोधपुर में भी सर्दी बढ़ने से बादलों में आवाजाही की वजह से मौसम में कई प्रकार के बदलाव नजर आए। हालांकि कभी सूरज निकल रहा था, कभी बादलों में छिप रहा था, लेकिन सर्दी बढ़ने से लोगों को ठंड ज्यादा महसूस हुई। जोधपुर में खड़ी कार को टक्कर मारने का मामला सामने आया। भदवासिया स्कूल के पास की बताई जा रही घटना, निजी स्कूल की बस के द्वारा कार को टक्कर मारने की बात आई सामने। ब्यावर शहर के छावनी फाटक के पास भैरवनगर निवासी 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। हादसे के बाद परिजनों ने युवक को फंदे से उतरवाकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम किया। माली समाज ब्यावर और सर्व समाज की ओर से महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहर के साथ पुलिया मसूदा रोड चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।